पिंक जैक फ्रूट का मदर प्लांट है ये, ठीक है। ऐसे ही छुरी से कटिंग करना पड़ता है। मैं आज बात करने वाला हूँ और कैसे जोड़ कलम का पौधा तैयार करते हैं। ये है पिंक जैक फ्रूट, ऐसे मतलब जड़ के उधर से मिट्टी हटा के घास प्लांट को ऐसे हिलाना पड़ता है, ठीक है। ये जो प्लांट हिला रहा है इसका 2-3 दिन बाद इसका ग्राफ्टिंग करना चालू होगा, ग्राफ्टिंग मतलब जोड़ करना चालू होगा, जोड़ कलम करना। ऐसे हिला के बम्बू देके बांधना पड़ेगा। ये सभी प्लांट हिला के रख दिया है, ठीक है। ये 8 महीने का पौधा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है जैक फ्रूट सीड का पौधा है। ये लेके जोड़ कलम करते हैं, ठीक है। देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे जोड़ कलम करते हैं। ये देखो, ये मतलब जोड़ कलम कंप्लीट हो गया है। ये इसका 45 दिन से 2 महीना 60 दिन के आसपास ऐसे ही रखना पड़ेगा। इसके बाद इसके कटिंग करके छांव में रख देना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं, जोड़ कलम करते हैं कैसे। ये जो आप देख रहे हैं ये है पिंक जैक फ्रूट का मदर प्लांट है ये, ठीक है। ऐसे ही छुरी से कटिंग करना पड़ता है। उसके बाद ये जो प्लांट ले रहा है ये है जैक फ्रूट का सीड का प्लांट है ये। इसे कटिंग करना पड़ता है। उसके बाद पूरा प्लास्टिक से जड़ाना पड़ता है। ये एक कंप्लीट हो गया। ये देखो, और मैं तो बात कर रही हूँ के बी नर्सरी की तरफ से, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। और किसी को कोई भी फ्रूट प्लांट चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। ये जो प्लांट है ये एक प्लांट में लगभग 50 से 60 प्लांट का जोड़ कलम किया है,
ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।